हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप बताने जरूर आप अपने जियो फोन में वेदर कैसे देख सकते हैं। वैसे इसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, पर मैंने सोचा अब एक मेरे सब्सक्राइबर मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज कराए तो उनके ऊपर भी एक बार वीडियो बना देता हूँ अलग तरीका है थोड़ा सा। पहले मैंने अलग बताया था, इस बार अलग बताऊंगा, तो इसी वीडियो को पूरे देखना। वीडियो जरा सी भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिन टाइम वेस्ट कर, सबसे पहले देखिए मैं आप दिखाता हूँ इन किन सब्सक्राइबर ने कराया। तो देखिए ये सब्सक्राइबर है, इनने फेसबुक पेज बताया। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। तो चलिए सिंपली आपको जियो फोन में क्या करना होता है, वेदर लिख देना है। तो यार मैं इसमें करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें रिचार्ज खत्म हो चुका है, पर प्रोसेस दोनों का सेम है, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना इधर उधर। मैं इसमें करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे सिंपली जो जो मैं लिख रहा हूँ वही लिख देना। देखिए यहाँ पे आपको ये लिख देना है बस, फिर देख कुछ इस तरह का दिखाएगा। वो जियो फोन थोड़ा सा अलग दिखा सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो देखिए सब्सक्राइबर ने ये लिखा था, तो स्क्रीनशॉट अच्छी तरह देख सकते हो। उनके हम कुछ ऐसे दिखा रहा था, वो स्मार्टफोन में ऐसे दिखाता है। जियो फोन में भी ये कभी कभी दिखा देता था जब मैं रिचार्ज होता था बहुत महीने पहले। देखिए यहाँ पे मैं टोमारो पे क्लिक करता हूँ तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे 10 डेज का भी देख सकते हैं एक साथ, देखिए। पर ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, बट फिर भी जितना सही है जितना है। तो यार बस आज के बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।